तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो मैं आपको मोटिवेटिंग कोट कहने वाला हूँ वो आप में मैक्सिमम लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, उनके एक रिप्लाई में मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। और ये जो चीज़ है आप लोग भी अपनी लाइफ से लिंक कर सकते हो, क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है तो उसमें आपका जो माइंडसेट है, जो दिमाग है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुसीबतों से भागना नहीं, मुसीबतों को निमंत्रण देने जैसा है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां एवं मुसीबतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। वो सामना सबको करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है। और ये उस तरीके से होता है जैसे शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नाविक नहीं बन सकता। अगर समुद्र शांत होगा तो जो यहाँ पे नाविक होगा वो अच्छा नाविक नहीं बन पाएगा, बल्कि अगर समुद्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा उफान पर होगा और नाविक संघर्ष करता रहेगा तो वो एक अच्छा नाविक बन जाता है। इसी तरीके से कहते हैं अच्छा तैराक वो है जो यहाँ पे कैसा भी समुद्री, कितना भी यहाँ पे खतरनाक रास्ता हो, उसको भी पार कर जाए। तो आपको भी जो आपकी आगे सारी जो चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में उनको पार करना है, ठीक है। जो चुनौतियाँ हैं यही आपको और ज़्यादा कुशल बनाएंगी और ज़्यादा आपको मजबूत बनाएंगी। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है January 31, 2019 और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको पिक्टोरियल फॉर्म में इस करंट वीडियो में जो चीज़ें आएंगी वो चाहिए तो आप मेरे को फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे मेरे इस करंट वीडियो के PDFs, नोट्स भी और द हिंदू न्यूज़पेपर की ओरिजिनल कॉपी भी, टेलीग्राम पे जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का आपके लिए है वेनेजुएला से रिलेट करते हुए, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर इस समय इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चल रहा है और पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है। और मैं लगातार दो दिन से आपके साथ वेनेजुएला का मैप भी डिस्कशन में ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका शेयर्स बाउंड्री विद वेनेजुएला, आपको बताना इनमें से कौन सी कंट्री यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती हैं वेनेजुएला के साथ। ऑप्शंस हैं 1 कोलंबिया, 2 पनामा, 3 गुयाना, 4 इक्वाडोर, 5 ब्राजील, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। A 123, B 345, C 135 या D, ऑल ऑफ द अबव। आपको अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने हैं और आंसर आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर के साथ, तो पेज नंबर 9 से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज के दिन हमें FAQ देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये जो FAQ के सवाल होते हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्हें कभी भी मिस मत किया करो। सवाल है यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम और हेडलाइन है GST रिवेन्यूज गोइंग ऑफ टारगेट। देखो यहाँ पे सरकार ने रिसेंटली GST के जो मैक्सिमम जो स्लैब होता है, जो 28% वाला जो स्लैब होता है, उसमें से कुछ चीजें हटा भी दी थी, पर उसके बावजूद भी जो GST का रिवेन्यू है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो यही सवाल है कि यहाँ पे जो टैक्स के जो रेट्स हम लोगों ने रेगुलरली कट किए हैं, बट एक्सपोर्ट्स का ये मानना है कि GST के अंदर जो रिवेन्यू है वो हमें उतना ज्यादा इंपैक्टफुल, उतना ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा। हमारे सामने 1 फरवरी को यहाँ पे बजट आ जाएगा, सर्वे भी हमारे सामने आ जाएगा, और सर्वे के अंदर जो चीज़ें होंगी वो हमें नहीं पता, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट्स ने जिस तरीके के सर्वे किए हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? देखो GST की अगर ऑफिशियल डाटा की अगर हम लोग बात करें, उसका कलेक्शन वो जनवरी के अंदर जो था वो रिलीज़ किया जाएगा 1 फरवरी को, पर कुछ जो यहाँ पे न्यूज़ एजेंसीज होती हैं उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि जो GST का कलेक्शन है January 2019 वाला, वो 94,000 to 96,000 करोड़ रुपीज़ के बीच में आने वाला है, जो कि पूरे साल के जो एवरेज था, जो पूछे जो साल गया है 2018 वाला, उसका जो एवरेज था उससे कम है। एवरेज कलेक्शन जो रहा यहाँ पे अप्रैल और दिसंबर के बीच में वो था 96,782 करोड़ रुपीस। यहां पे जो कलेक्शन 1,00,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने यहां पे आंकड़ा पार किया था वो सिर्फ 2 बार किया पिछले 9 महीने के अंदर। और यहां पे इवन दिस वाज लोअर देन 1.1 लाख करोड़ टैक्स एनालिस्ट से द गवर्नमेंट शुड बी कलेक्टिंग, कि गवर्नमेंट को उस समय पर 1.1 लाख कलेक्ट करने चाहिए थे, पर उन समय पर भी 1,00,000 करोड़ ही कलेक्ट हुए, तो उन आंकड़ों से भी यहां पे कम था। तो सिचुएशन ये, हम लोग GST इसलिए लेकर आए थे कि यहां पे टैक्स का कंप्लायंस बढ़ जाए, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाए, पर वो असलियत में क्यों नहीं हो रहा है, ये आज के लिए आपका एक बिग क्वेश्चन है जिसका जवाब हम लोग ढूंढने की यहां पे कोशिश करेंगे। अब GST काउंसिल ने देखो रेट्स भी कट कर दिया, December 22 को उनकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद देखने को यह मिला था कि शायद रेट कट करने के बाद जो रेवेन्यू है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा,
बट जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रेट नहीं बढ़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ ये तीसरा कॉन्सिक्यूटिव मंथ होगा जब जीएसटी रेवेन्यू हमें घटता हुआ, मतलब यहाँ पे टारगेट से पीछे छूटता हुआ नजर आएगा। अब व्हाई इज दिस हैपनिंग, असलियत में ये सिचुएशन हमारे सामने क्यों आ रही है? देखो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 31st मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 20 कैटेगरी के जो यहाँ पे गुड्स थे उनके रेट कट कर दिए थे, और 28% वाला जो स्लैब था उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉमन यूज का आइटम छोड़ा, वो था यहाँ पे सीमेंट। यहाँ पे नेचुरली अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन 28% स्लैब विल रिजल्ट इन लोअर कलेक्शंस। यहाँ पे देखो 28% स्लैब में जो चीज़ें हैं वो बेसिकली हम लोग मानते हैं कि वो लग्जरी गुड्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई लग्जरी गुड्स हैं, और अगर उनको हम लोग डिक्रीज करते हैं तो देखो मैक्सिमम लोग इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 80-90% लोग उन चीज़ों को नहीं परचेज कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जिन कैटेगरीज के रेट कम किए गए उसका इम्पैक्ट इस वजह से नहीं हुआ। एंड द वे ऑफ ऑफसेट ऑफ लोअर रेट्स इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल पेइंग टैक्स। और हमारा मेन मकसद क्या रहता है जब हम यहां पे रेट कम करते हैं, कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो टैक्स बेस है वो बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो कि अभी आपको कोई एक चीज लेनी है जिसकी जो कीमत है वो 1,00,000 रुपए है, ठीक है, विद टैक्सेस, ओके विद टैक्सेस। यहाँ पे सरकार उसके जो टैक्स होते हैं वो कम कर देते हैं और उसकी कीमत यहाँ पे हो जाती है 70,000 रुपीज़, और आपका बजट 80,000 का था तो अब आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर फेनोमेना रहता है कि जब आप यहाँ पे टैक्स कम करते हो तो आप सोचते हो कि ज़्यादातर लोग उस चीज़ को परचेज करने लगेंगे जिनके बजट में वो आज की डेट में नहीं आ रहा है, और हम लोग सोचते हैं जो टैक्स कंप्लाइंस है वो भी इसी हिसाब से बढ़ता हुआ हमें नजर आना चाहिए। बट डेटा क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं व्हाइल द नंबर ऑफ पीपल required to file monthly return has grown to 32% from July 2017 to about 98.5 lakh in November 2018। जिन लोगों को यहाँ पे tax return file करनी है उनकी संख्या 32% से हमें बढ़ती हुई नजर आई है July 2017 से लेकर November 2018 तक। पर जो नंबर ऑफ जो लोग हैं जो कि यहाँ पे फाइल ही नहीं कर रहे हैं रिटर्न्स, जो टैक्स फाइल ही नहीं कर रहे हैं, उनकी संख्या भी हमें 167% से बढ़ती हुई नजर आई है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ नॉन फाइलर्स इज ग्रोइंग फास्टर देन द टैक्स बेस इटसेल्फ। जो लोग यहाँ पे टैक्स को कंप्लायंस नहीं कर रहे, टैक्स को फाइल नहीं कर रहे, उनकी जो संख्या है वो उस संख्या से भी ज़्यादा बढ़ रही है जो हम लोग टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टैक्स के रेवेन्यू में आज की डेट में आ रही है। साथ ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, और भी बहुत सारे रीज़न गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ जो यहाँ पे बिजनेसेस हैं वो फेक इन्वॉइसेस भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो ईवे बिल है उससे भी रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिजॉल्व आउट करने के लिए भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी थी हमारे। तो सरकार इस रूट कॉज को भी ख़त्म करने के लिए अप्रैल 2019 के अंदर एक नई और चीज़ ला सकती है कि यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो जो फेक इन्वॉइसेस क्रिएट करते थे वो अब ना कर पाएं। तो ये जो सवाल था ये आज FAQ का क्वेश्चन था जो आपके लिए एक बिग क्वेश्चन का एक आंसर लेकर आया था। साथ ही पेज नंबर 9 पे एक कॉन्सेप्चुअल वाला एक सवाल आता है और यहाँ पे जिक्र है एक कर्व के बारे में। इस कर्व का नाम है बेवरेज कर्व। देखो जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा यहाँ पे होता है फिलिप्स कर्व होता है, आपने लॉरेंस कर्व पढ़ा होगा, उसी तरीके से ये जो कर्व है बेवरेज कर्व वो आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट है। एग्जाम में आने के चांसेस इसके सुपर हाई हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये किन किन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है, बेसिकली ये रिलेशनशिप है बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं तो यहाँ पे आता है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और दूसरी जो जिसे हम लोग वर्टिकल एक्सिस कहते हैं वहाँ पे होता है जॉब वैकेंसी रेट, ओके यहाँ पे आता है जॉब वैकेंसी रेट। और देखो डायरेक्टली देखो आप यहाँ पे नॉर्मली समझो, जब यहाँ पे जॉब वैकेंसी ज़्यादा होंगी हमारे देश में, जब जॉब्स ज़्यादा होंगी तो उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। जब जॉब्स ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से जो लोग हैं उनको रिक्रूट भी किया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब देश में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है हम लोग क्या कहते हैं कि देश में जो जॉब्स हैं जो नौकरियाँ हैं वो कम हैं, जो कि आज की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। हाई जॉब वैकेंसी इन एन इकोनॉमी आर ऑल्सो मार्क्ड बाय रिलेटिवली लो अनएम्प्लॉयमेंट सिंस कंपनीज में एक्चुअली बी एक्टिवली लुकिंग टू हायर न्यू पीपल। तो याद रखना जो बेवरेज कर्व है वो रिलेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जॉब वैकेंसी रेट से। इकोनॉमी का ये पार्ट था, आने के चांसेस इसके सुपर हाई हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर वन पे आ जाओ। पेज नंबर वन से शुरुआत करते हैं। आज खबर आई है, मिनिस्ट्रीज फ्लाउटिंग नॉर्म्स सेज इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कुछ मिनिस्ट्रीज यहाँ पे जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रही हैं। बेसिकली यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो उनके ऊपर कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं, जिससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में या किसी भी यहां पे कैंडिडेट के बीच में, और यहां पे कोई भी किसी को नेगेटिवली इंपैक्ट भी ना कर सके। यहां पे बेसिकली इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले कुछ यहां पे जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ यहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेती हैं इलेक्शन कमीशन से कि हमें ये पर्टिकुलर काम करने हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी हम ये पर्टिकुलर काम कर सकें। बट यहाँ पे उसके भी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं कि यहाँ पे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन यहाँ पे सर्टिफिकेट लेना होता है, और यहाँ पे किस तरीके से लेना होता है उस तरीके को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये आज का बड़ा एक यहाँ पे टॉपिक है। तो कमीशन बेसिकली इसी चीज़ को कह रही है कि जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक नोट ले लेना चाहिए कि जो यहाँ पे रेफरेंस सेंड करते हैं, ओके, उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए, और अर्ज किया जाए यहाँ पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कि वो जितने भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको यहाँ पे फॉलो करें। बेसिकली अगर हम लोग बात करें रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू बी डन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। आपको यहाँ पे एक रिटर्न फॉर्मेट में एक लेटर लिख के यहाँ पे देना पड़ता है जो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी होते हैं उन्हें, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। और यहाँ पे आज की डेट में हमें क्या देखने को मिला, कुछ जो पीछे यहाँ पे चुनाव हुए थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो वहाँ पे डायरेक्टली जो जूनियर ऑफिशियल्स थे उनको यहाँ पे भेज दिया गया था लिख के, तो वो चीज़ गलत थी। अगर आपको भेजना है तो आप सेक्रेटरी को भेजो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजो या डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर को भेजो, डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर को भेजो, तो ये सब चीजें आप नहीं कर रहे हो। तो राइटिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और द इलेक्शन कमिश्नर्स इज नॉट परमिटेड, यहां पे सीसी के पास लिखना या इलेक्शन कमिश्नर्स के पास लिखना भी परमिटेड नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो ऊपर तीन चीजें होता है, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, उनके पास ही आपको लिख के देना पड़ता है। तो टेकिंग नोट टू द इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट, इलेक्शन कमीशन की इस कंप्लेंट के बाद जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उन्होंने अर्ज किया है अपने सेक्रेटरीज को कि जो यहां पे जो नॉर्म्स जो लिखे हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, उनको अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए। साथ ही यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में मैंने आपके सामने कुछ केसेस भी लिखे हुए हैं कि रिसेंटली क्या हुआ था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शन हो रहे थे गुजरात के अंदर या हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो रेफरेंस थे मिनिस्ट्रीज ऑफ सिविल एविएशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहते थे अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू यहाँ पे रिसीव किया गया था, ठीक है, और यहाँ पे लेटर सेंड किया गया था टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो वो एक केस था। साथ ही कमीशन ने डिसाइड किया था नॉट टू कंसीडर द सेड रेफरेंस एंड रिटर्न देम टू द मिनिस्ट्रीज, वापस से भेज दिया था कि यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया है, ओके। तो उस समय भी इस तरीके का जो केस है वो हम लोगों को देखने को मिला था। यहाँ पे आपके लिए बैकग्राउंड न्यूज़ आती है। देखो मैं एक चीज़ आपको साफ बता दूं कि न्यूज़ का मतलब सिर्फ न्यूज़ पढ़ना नहीं होता है जब तक आप लोगों को उसका बैकग्राउंड रिलेशन ना आए, और मेरा मेन मकसद यह रहता है कि अगर आप लोग करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत सारी अपने ही लेक्चर के अंदर कवर करा दूँ। पढ़ते हैं आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। आपने जब भी आपके एरिया में इलेक्शन हो रहे होंगे आपने सुना होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आपको ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। तो असलियत में होता क्या है, बेसिकली कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ यहाँ पे रूल्स की फॉर्म में होती हैं जिनको इशू करते हैं कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, किन यहाँ पे रूल्स को फॉलो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्पीचेस, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ्स, इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो यहाँ पे प्रोसेशंस होता है, जो जनरल कंडक्ट होता है, वो किस तरीके से होंगे, उनका बिहेवियर को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, बेसिकली उसका काम यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करता है। साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से फोर्स में आता है, देखो जब से यहाँ पे इलेक्शन का जो शेड्यूल है, जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो जाती हैं, उसी पर्टिकुलर समय से हमारे सामने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना चालू हो जाता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन हैज़ अनाउंस दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स इमीडिएटली इन दी स्टेट्स वेयर लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्वड प्रीमैच्योरली। देखो कहीं पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रीमैच्योरली डिसॉल्व कर दिया जाता है
उस समय पर जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो डिसॉल्व होती हैं उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना चालू हो जाता है। साथ ही द कोड रिमेंस इन फोर्स टिल द एंड ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस का एंड कब होता है? जब तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होता। डिक्लेयर वहां पे नहीं जो न्यूज चैनल में होता है, डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन नहीं करती। साथ ही मेन मकसद क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यहां पे कंडक्ट कराना। और कोई भी इसका स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है, कोई भी इसके लिए हमारे पास लॉज नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, बट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने यहां पे मिलके यहां पे कन्वेंशन डिसाइड किया है, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए हैं जिनको हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली दे आर द रूल्स ऑफ इलेक्टोरल मोरालिटी। ओके, पहली बारी 1971 के अंदर जब हमारे फिफ्थ इलेक्शन थे हमारे देश में, इस चीज को यहां पे लागू किया गया था और इसको उसके बाद बार बार रिवाइज भी किया जा रहा है। ये चीजें थी सारी एमसीसी के बारे में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, कुछ यहां पे मेन पॉइंट्स ऑफ कोर्स किस तरीके से होता है। कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता जब तक यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। कोई भी यहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी है या यहां पे कैंडिडेट्स हैं वो इस तरीके के यहां पे शो या डेमोंस्ट्रेशन नहीं कर सकते कि जो राइवल्स हैं उनको कोई भी यहां पे परेशानी हो। रोड ट्रैफिक को यहां पे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यहां पे दारू शराब की से वो उसको किसी को बहकाने की कोशिश नहीं कर सकते, वोट के लिए लिकर टू वोटर्स नहीं दे सकते, ठीक है। यहां पे पैसे वगैरह तो दे ही नहीं सकते, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आता है। और यहां पे कोई भी नई वेलफेयर जो प्रोग्राम्स है वो भी लॉन्च नहीं कर सकते। और अगर कुछ यहां पे करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो उस तरीके का मेमोरेंडम लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन में लिया था। जो पब्लिक स्पेसेस हैं जैसे मीटिंग ग्राउंड्स हैं, हेलीपैड्स हैं, गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस हैं, बंगलोज हैं, वो इक्वली शेयर किए जाएंगे अमंग द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको इक्वली शेयर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जिसकी यहां पे गवर्नमेंट बनी हुई है उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी लोग यहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं उनको यहां पे इक्वल और सही तरीके से सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। तो अभी जब लोकसभा के चुनाव होंगे, इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगी, तो आप लोग एक बार देखना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या हमारे सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 पे आपको एक और खबर मिलती है, नाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइन असम एंटी बिल स्टिर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन्होंने भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के खिलाफ जो मुहिम चल रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और इन लोगों का ये कहना है कि आर जॉब इज नॉट ग्रेटर दैन होमलैंड, हमारी नौकरी हमारी जो यहाँ पे मातृभूमि है उससे बड़ी नहीं है। ओके, द डे ऑल्सो सॉ द फैमिलीज ऑफ 855 मार्टर्स ऑफ एंटी फॉरनर्स असम एजिटेशन, जो कि 1979 से 1985 के बीच में हुआ था। उन लोगों को जो यहाँ पे मेमेंटोज दिए गए थे, जो यहाँ पे रिकॉग्निशन के सर्टिफिकेट दिए गए थे, उनको भी वो वापस दे रहे थे। मतलब यहाँ पे अवार्ड वापसी वाली मुहिम चल रही है इस समय नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर। अब बहुत दिन हो गए आपके साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में डिस्कशन करते हुए, आज आपको एक और हाईलाइट्स दे देता हूँ, स्पेशल हाईलाइट्स हैं आज की, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 बेसिकली अमेंड क्या कर रहा है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो कि बात कर रहा है कि जो 6 रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो कि हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, जो कि बिलोंग करते हैं 3 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, और जो कि हमारे देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए थे, उनको सिटीजनशिप देने की बात कर रही है। इस एक्ट के अंदर एक और रिक्वायरमेंट को चेंज करने की बात हो रही है। हमारे देश में सिटीजनशिप ऑफ नेचुरलाइजेशन होती है, कोई यहाँ पे अगर हमारे देश में कितने साल रह लिया है उसके बाद उसको सिटीजनशिप देने की बात होती है। वो ये है कि यहाँ पे ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स एंड फॉर 11 ऑफ द प्रीवियस ऑफ 14 ईयर्स, जो यहाँ पे पिछले 14 सालों में 11 साल उनको यहाँ पे रहना जरूरी है, और यहाँ पे पिछले एक साल से तो वो लगातार रह रहे हैं, तो ये बिल उस चीज को 11 ईयर वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको रिलैक्स करके 6 ईयर्स करने की भी बात कर रहा है इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए। साथ ही जो बिल है ये प्रोवाइड कर रहा है दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स मे बी कैंसल्ड इफ दे वायलेट एनी लॉ। अगर कोई भी लॉ को यहां पे OCIs ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वायलेट करते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है अंडर द OCI उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ये पर्टिकुलर सिटीजनशिप बिल 2016 कहता है। बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं, असम यहाँ पे अलग से क्राइसिस में चल रहा है, असम कह रहा है कि हमारे आपने RRC करी उसके खिलाफ है, जो असम अकॉर्ड है उसके खिलाफ है, उसके क्लॉज नंबर 6 के खिलाफ है। यहाँ पे अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं कुछ, जैसे यहाँ पे चकमा है, होजोंग है, वो इसके खिलाफ कर रही हैं। कल मैंने आपको यहाँ पे मिजोरम के बारे में बताया था, जहाँ पे चिन कम्युनिटी है वो भी इसी के खिलाफ यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए क्योंकि चिन कम्युनिटी है उनको भी मिल जाएगा। ओके, एक और आप छोटा सा सवाल, जो चीन कम्युनिटी है वो कौन से देश से बेसिकली बिलोंग करती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करके बताना। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं, खबर मिलती है बायोपॉलीमर रिसर्च टू फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे
राजस्थान प्रमोट कर रहा है रिसर्च इन दी बायोपॉलीमर सेक्टर। बायोपॉलीमर सेक्टर के अंदर रिसर्च को राजस्थान के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे आज की डेट में प्रमोशन मिल रहा है। बेसिक यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फैब्रिकेशन पे ध्यान दिया जाए और उस वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो ज़्यादा हो सके। जो नया इनिशिएटिव है उसको लिंक किया जाएगा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के साथ, जिससे बेनिफिट मिल सके उस पर्टिकुलर सेक्टर को भी और यहाँ पे लोगों को भी नौकरियाँ मिल सके। आपके लिए एक्स्ट्रा स्टफ कि असलियत में बायोपॉलीमर होते क्या है। बेसिकली ये बायोलॉजी का पार्ट है, साइंस वाला ये पर्टिकुलर पोर्शन है। तो बेसिकली ये टाइप ऑफ पॉलीमर्स होते हैं जिन जो कि हमारे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। तो ये बायोडिग्रेडेबल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग बायोपॉलीमर के नाम से जानते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। जैसे आपके प्रोटीन होते हैं बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, आपके लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लियस एसिड्स होते हैं, आपके पेप्साइड्स होते हैं, ओके, या पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जैसे आपके ग्लूकोजेंस होते हैं, स्टार्च होते हैं, सेलुलोज होते हैं, तो वो होते हैं हमारे बायोपॉलीमर्स। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेज नंबर 5 पे आपको देखने को मिलती है इसरो लॉन्चेज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये न्यूज़ हम लोग पिछले कई हफ्तों से डिस्कशन में ले रहे हैं, बट द थिंग इज इसको फाइनली इनॉग्रेट, फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु के अंदर, जो यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है उसके अंदर ही इस चीज़ को बनाया गया है। और ये है बेसिकली हब ऑफ इसरोज मैंड मिशन, जो हमारा गगनयान है उसका ये यहाँ पे मिशन है, उसका मैंड मिशन जो हमारा है उसके लिए एक पर्टिकुलर सेंटर बनाया गया है। इसी सेंटर के अंदर यहाँ पे गगनयान को बनाया जाएगा। देखो ये पर्टिकुलर वहीं पे सामने लगा हुआ था, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर दी गगनयान प्रोजेक्ट। ओके, अगस्त 15, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अनाउंस किया था कि हम लोग लॉन्च करेंगे गगनयान बाय 2022, हमारा फर्स्ट मैंड मिशन होगा। और इससे पहले दो अनमैंड मिशन को भी लेकर जाएंगे जिससे अच्छी तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग हो सके। एक्स्ट्रा स्टफ ब्लैक बॉक्स के अंदर, देखो ब्लैक बॉक्स के अंदर चीज़ें होती हैं वो द हिंदू के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे पॉइंट जो हमारा ये HSFC है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइंग सेंटर है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि गगनयान प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। और एंड टू एंड जो मिशन की प्लानिंग है वो इसी पर्टिकुलर सेंटर के अंदर की जाएंगी। किस तरीके से इंजीनियरिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, क्रू सर्वाइवल कैसे होगा, क्रू का सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन किस तरीके से सस्टेन किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसी सेंटर के अंदर की जाएंगी। साथ ही सपोर्ट करेगा इसरो के बाकी सारे सेंटर्स को भी जो कि पहले से ही गगनयान प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। इस सेंटर के हेड के रूप में यहां पे चुना गया यू यूनिकृष्णन नायर जी को, ठीक है, वाइल आर हटन इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ गगनयान। जो एस यूनिकृष्णन है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आर हटन, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली 9,023 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम रिसेंटली बोला था कि हम लोग इसको देंगे, बट फाइनली 10,000 करोड़ रुपीज सैंक्शन कर दिए थे यूनियन गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। खबर मिलती है पेज नंबर 5 पे ही, पैडी फार्मिंग रिटर्न्स टू कोटायम। तो यहाँ पे जो कोटायम है केरला के अंदर उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, और बात हो रही है कि जो टैक्स है यहाँ पे पॉल्डर्स के कोटायम के अंदर उनको यहाँ पे रीडेवलप किया जा रहा है, उनको यहाँ पे रीस्टोर किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो पूरे का पूरा आर्टिकल था रीस्टोरेशन के ऊपर था, एनवायरमेंट से रिलेटेड ये सारी की सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे फार्मिंग वर्क भी किया जा रहा है। और जो फार्मर्स हैं उनको 25,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि जो एरिया है उसको अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सके, और उनको फ्री में यहाँ पे सीड्स, फ्री में पे बीज भी दिए जा रहे हैं। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को यहाँ पे रिस्टोर करने का काम है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, ठीक है, इस एरिया के अंदर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि असलियत में पोल्डर्स होते क्या हैं, ये आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। तो पोल्डर बेसिकली लो लाइंग ट्रैक्ट होता है किसी भी जमीन का जो कि चारों तरफ से यहाँ पे डाइक्स, डाइक्स मतलब आप देखो ये तरीके से पानी के बिल्कुल अंदर यहाँ पे बिल्कुल एंट्रैच्ड होता है, बिल्कुल उसके अंदर होता है, हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी के अंदर अंदर होता है। और जो डाइक्स होते हैं वो एक तरीके से आर्टिफिशियल हाइड्रोलॉजिकल कोई एंटिटी बना लेते हैं, ठीक है, जैसे चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, और उसको यहाँ पे मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है थ्रू द डिवाइसेस। और इन ये जो टैक्स हैं इनके ऊपर ही हम लोग रीस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, पैडी ग्रोथ का काम कर रहे हैं। तो पैडी ग्रोथ के लिए यहाँ पे हमें पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इरीगेशन की जरूरत पड़ती है, और इरीगेशन तो यहाँ पे नेचुरली अवेलेबल है इन पर्टिकुलर डाइक्स के अराउंड की मदद से। तो पिक्चर इसलिए लगाई है जिससे आप लोग अच्छी तरीके समझ सको कि असलियत में सिचुएशन क्या चल रही है।
आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पे, आपको एक और खबर मिलती है, बेटर एमिनिटीज एट एरो इंडिया दिस टाइम। इस बार जो एरो इंडिया होने वाला है 2019 वाला, उसमें और ज्यादा एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब होता है सर्विसेज, और ज्यादा यहाँ पे सर्विसेज हमें बेटर होती हुई नजर आएंगी हर किसी चीज के रिस्पेक्ट में। और ये न्यूज थी, पर हमारे लिए जरूरी है एरो इंडिया के बारे में जानना। ये बेसिकली बायनियल एयर शो होता है, एविएशन एग्जीबिशन होता है, और हर साल बेंगलुरु के अंदर होता है। बेंगलुरु के अंदर है येलाहान का एयरफोर्स स्टेशन, वहां पे इसको हर दो साल में एक बारी, बायनियल का मतलब है हर दो साल में एक बारी, वन टाइम इन टू ईयर्स, ओके, कंडक्ट किया जाता है। इसको कंडक्ट करने में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि साथ में आती हैं और बनाती हैं इसे एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयर शो। और आप एरो इंडिया का जो इस बारी का जो लोगो है वो भी आप देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लोगो है। देखो हमारे देश के झंडे को यहाँ पे एयरप्लेन की, एयरक्राफ्ट की, फाइटर जेट की यहाँ पे शेप दी हुई है, ओके, वेरी ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, पेज नंबर 6 पे आपको खबर मिलती है, मेयर स्लोगनरिंग कैन नॉट इनवाइट सेडिशन। यहाँ पे सेडिशन से रिलेटेड मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कशन में लिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था सेक्शन 124A है हमारे IPC का, उसके अंदर जो सेडिशन के चार्जेस होते हैं, जिन चार्जेस से यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी भी नहीं बच पाए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसको क्यों स्क्रैप कर देना चाहिए। एक और आपके लिए सवाल कि इसको स्क्रैप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था, आप लोग भी लिख के मुझे जरूर बताना 2-3 लाइन में कि आपके हिसाब से अगर इसे स्क्रैप नहीं करना चाहिए तो क्यों, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली रूल किया कि सेडिशन कैन ओनली बी इन्वोक्ड व्हेन द सेडिशियस कमेंट रिजल्ट्स इन वायलेंस। जब कोई सेडिशन वाला जो कमेंट है, कोई स्पीच है, कोई सोशल मीडिया पर कोई स्टेटमेंट है, वो अगर वायलेंस क्रिएट करता है, उसी समय पर यहाँ पे जो सेडिशन का चार्ज है आर्टिकल 120 सेक्शन 124 ऑफ द IPC के अंदर, उस समय ही अप्लाई होना चाहिए, ऐसा कहना है फॉर्मर लॉ कमिश्नर चेयरमैन BS चौहान जी का। तो बेसिकली BS चौहान जी का ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि कोर्ट ने बार बार अपने जजमेंट में इस चीज़ को बोला है कि सिर्फ और सिर्फ स्लोगन कहना, किसको कि सिर्फ और सिर्फ नारे लगाना यहां पे सेडिशन का चार्ज को इनवाइट नहीं कर सकता। यहां पे जनवरी 10 में जो यहां पे असम पुलिस ने रजिस्टर किया है सेडिशन के अंदर एक चार्ज अगेंस्ट द स्कॉलर हिरेन गोहेन, जो कि 80 इयर्स ऑफ ओल्ड है, क्योंकि उन्होंने यहां पे पब्लिक मीटिंग के अंदर बोला कि डिमांड फॉर सोवरेनिटी माइट अराइज इफ द सेंटर इग्नोर्स द वॉइसेस ऑफ असम पीपल अपोजिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2016। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है 2016 वाला, उसके खिलाफ जो असम के अंदर जो चीजें चल रही हैं, उन्होंने उनका सपोर्ट करते हुए बोला कि यहां पे हम लोग सोवरेनिटी की डिमांड करने लगेंगे, सोवरेनिटी मतलब यहां पे एक अलग स्टेट की डिमांड करने लगेंगे। तो उसके खिलाफ यहां पे बोला कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी वायलेंस वाली कंडीशन नहीं हुई, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं होना चाहिए। देखो मेरी अगर पर्सनल यहां पे मैं अगर अपने व्यू दूं, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ये चीज गलत है। अगर कोई देश के खिलाफ गलत बोल रहा है तो हम लोग उसके अंदर वायलेंस का इंतजार नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये 21st लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे, जो कि हमारे सेंटर के टॉपमोस्ट एडवाइजरी बॉडी है ऑन द लीगल रिफॉर्म, और जिसको BS चौहान जी यहाँ पे हेड कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर भी लिखा था सामने, जिसके बारे में भी मैंने बताया था कि जो सेडिशन है सेक्शन 124 ऑफ द IPC के अंदर, उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से UK के अंदर आज से 10 साल पहले उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, हमारे देश में भी ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लॉ कमीशन का कहना था। साथ ही यहाँ पे बोला कि सेडिशन हैड अर्लियर बीन स्क्रैप्ड बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले इस चीज़ को स्क्रैप कर दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्क्रैप कर दिया था, बट इन 1962 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द लॉ। 1962 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आज की डेट में इस लॉ की हमारे देश में जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, पेज नंबर 7 पे आपको मिलती है, स्टडी सेज काउ यूरिन मे बी एडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ये जो आर्टिकल है ये ज्योग्राफी से भी लिंक करेगा, ज्योग्राफी का जो यहाँ पे हमारा पोर्शन होता है एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम का, उससे ये पर्टिकुलर पोर्शन लिंक करता है। बात हो रही है कि स्टडी कहती है कि काउ यूरिन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है उसको देख लेते हैं। काउ यूरिन जो कि एक बहुत ही माइनर फाउंड है आज की डेट में रिसर्च की, हम लोग उसको यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग को, ऐसा यहाँ पे इस रिपोर्ट का कहना है। ये कहना है कि जो ये पर्टिकुलर काउ यूरिन होता है, इसकी बहुत ही सोर्स होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड को ये एमिट करता है, जो कि गैस की जो कि 300 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से,
ठीक है, बहुत सारी बार यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काउ यूरिन का इस्तेमाल करते हैं डिग्रेडेड पैस्चर्स के अंदर, और उस वजह से यहाँ पे जो जो N2O होता है उसका एमिशन ट्रिपल हो जाता है, तीन गुना हो जाता है। ये जो स्टडी है ये इस समय की गई थी कोलंबिया के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, निकारगुआ के अंदर, ट्रिनिडैड के अंदर और टोबैगो के अंदर। पर इंडिया के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया के अंदर नंबर ऑफ काइस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा काउ यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है और जो नंबर ऑफ पैस्चर लैंड्स हैं वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही इंडियन फील्ड्स के अंदर आप देखोगे जब हम लोग आज की डेट में मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फार्मर्स क्या करते हैं, जो काउ डंग होता है, जो गोबर होता है, उसको यहाँ पे काउ यूरिन के साथ यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, ठीक है। साथ ही इंडिया ऑल्सो होस्ट दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन और यहाँ पे डिग्रेडेड लैंड के जो टैक्स है, डिग्रेडेड लैंड मतलब जो जमीन यहाँ पे खराब हो गई है, वो भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। इसरो की अगर हम लोग माने तो 30% ऑफ द इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया वो डिग्रेड हो चुका है और जो डिग्रेडेड ग्रास लैंड होता है वो एमिट करता है N2O तीन गुना ज़्यादा हेल्दी पेस्चर्स से। तो इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि जो ये काउ यूरिन होता है ये ग्लोबल वार्मिंग में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है। साथ ही यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पिक्चर भी आपको देखने को मिली थी कि यहाँ पे अमोनिया सेलेक्ट करते हुए कैटल एंड बफेलोज वर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स फॉर अमोनिया फ्रॉम मैन्योर। ओके, तो कैटल और बफेलो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं यहाँ पे अमोनिया को। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो जो कैटल है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूट करती हैं नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन, फॉलोड बाय द बफेलोस, गोट्स, शीप्स और बाकी सारी स्पीसीज। डिग्रेडेड थ्रेट मैंने आपको बता दिया 30% है हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का। और टॉप अमोनिया एमिटिंग स्टेट्स कौन सी हमारे देश में, नंबर वन पे उत्तर प्रदेश, नंबर ऑफ काउज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और टॉप नाइट्रस ऑक्साइड एमिटिंग स्टेट्स में भी उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश है, बस तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल को रिप्लेस करते हुए महाराष्ट्र पहुँच गई है पोजिशन पे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे, आपको खबर मिलती है सेंटर हाइक्स स्कॉलरशिप्स। सेंटर ने यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के जो यहाँ पे पैसे मिलते थे उनको थोड़ा बढ़ा दिया है। बस ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल था, JRF, SRF, RA, RA2, RA3, JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिन लोगों ने यहाँ फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बिगिनिंग PhD, जो लोग अपनी PhD यहाँ पे चालू करते हैं, SRF मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ PhD स्टडीज, और RA का मतलब होता है रिसर्च असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज। तो यहाँ पे उनके जो रेट्स हैं, उनके जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं, जो उनको यहाँ पे स्टिपेंड के रूप में दिया जाते थे, ठीक है, स्टिपेंड दिए जाते हैं जो लोग यहाँ पे PhD करते हैं JRF के थ्रू, SRF के थ्रू, RA के थ्रू। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे PhD करोगे तो आपको सरकार भी पैसे देगी। तो यहाँ पे देखोगे 2014 के अंदर JRF के लिए 25,000 रुपये थे, उनको बढ़ा के 31,000 रुपीज़ कर दिया गया है, SRF के लिए 28,000 रुपीज़ के, उसको बढ़ा के 35,000 रुपीज़ कर दिया गया है। RA1, RA2, RA3 के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे, आपको खबर मिलती है सुप्रीम कोर्ट बिगन्स ऑटोमेटिक लिस्टिंग ऑफ फ्रेश केसेस। तो ये जो न्यूज़ है ये मैंने आपके साथ 2 दिन पहले डिस्कशन में ली थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके पास एक पावर थी कि वो यहाँ पे डायरेक्टली जो यहाँ पे बेंचेस हैं उनके सामने जाकर ओरल मेंशनिंग कर सकते थे, खुद से यहाँ पे बोल सकते थे कि ये वाले जो पर्टिकुलर केसेस हैं ये बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अर्जेंट मैटर के रूप में ले लिया जाए। और इनकी टाइमिंग भी थी 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये यहाँ पे अर्जेंट केसेस को लिस्ट करवाते थे। तो यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट थे उनके पास एक एक्सट्रीम पावर आ गई थी बाकी सारे जो यहाँ पे जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से। बहुत दिनों से यहाँ पे जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई जी, वो इस चीज़ के खिलाफ बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि असलियत में इंपॉर्टेंस वाले नहीं होते हैं और फिर भी उनको यहाँ पे सीनियर एडवोकेट से लिस्ट करा देते हैं। तो होल मेंशनिंग क्या है, ये एक तरीके का कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं हुआ है, एक तरीके का कन्वेंशन है जहाँ पे जो लॉयर्स हैं वो शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे डायरेक्ट अपील कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको लिस्ट किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है सुप्रीम कोर्ट के, एज वेल एज मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। इस वर्ड को तो आपको अभी तक रट ही जाना चाहिए, मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो फाइनली यहां पे चीफ जस्टिस ने बोला था कि हम एक नया सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि उस चीज के अंदर क्या होगा, जो केसेस हैं वो 4 दिन के अंदर अंदर अपने आप ही लिस्ट हो जाएंगे इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। फाइनली उस चीज़ को लॉन्च किया गया, नए सिस्टम को लॉन्च किया गया और हर दिन अर्जेंट मैटर को यहाँ पे लिस्ट किया जाएगा और विद इन दी 3 to 7 days ऑफ बिड, जब फाइल होंगे उनके 3 से 7 दिन के यहाँ पे अंदर अंदर, और 4th of February से ये इन इफेक्ट होना भी चालू हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे, आपको अगली खबर मिलती है स्टेट्स में हैव टू फंड फॉर मनरेगाज वेजेस। तो यहाँ पे जो एमजी नरेगा है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसके अंदर जो स्कीम है उसके अंदर पैसे खत्म हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि 99% जो फंड्स हैं उनको अभी ही कंज्यूम कर लिया गया है, ठीक है, और अभी भी देखो कितने सारे दिन बचे हैं इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर को खत्म होने में। और यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया था 6,084 करोड़ रुपीज़ का, और टोटल एलोकेशन अब हो गया 61,084 करोड़ रुपीज़। 15 जो स्टेट हैं उनके पास यहाँ पे नेगेटिव नेट बैलेंस हो चुका है 4,064 करोड़ रुपीज़ का, और जो पेमेंट है वर्कर्स की वो अभी भी ड्यू वाली कंडीशन में है। टोटल 9,040 करोड़ रुपीज़ इज द पेंडिंग लायबिलिटी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स टू। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी एमजी नरेगा की जो स्कीम है उसकी फंडिंग के लिए, और बजट के अंदर देखने की बात ये होगी कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर पैसे शायद बढ़ जाएं, क्योंकि जितनी डिमांड इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसका भी रिलेशन क्या है, हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है, ठीक है, खासकर रूरल इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टेट्स हैं वो आज की डेट में स्ट्रगल कर रही हैं, अपने वर्कर्स को पे नहीं कर पा रही नरेगा वाली स्कीम के अंदर, चाहे सेंटर ने यहाँ पे एडिशनल फंड उनको अलॉट कर भी दिए हैं तो, ठीक है, तो उनको मीट करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट सेंटर ने बोला है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने खुद के पैसे खर्च करें, अपने खुद के फंड्स को यहाँ पे खर्च करें। पेज नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे खबर मिलती है एनएससी मेंबर्स एयर्ड नो कंसर्न। एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, पहले इस कमीशन के बारे में बात करेंगे, वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक रिजोल्यूशन के तहत इस्टेब्लिश किया था 1 जून 2005 के अंदर, और मेन जो मेन मकसद था वो स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे बनाना था, और यह जो डिसीजन था ये दिया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगा राजन कमीशन, ठीक है, विच रिव्यूड द इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन 2001। जो एनएससी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 12th of July 2006, और ये यहाँ पे इन्वॉल्व होती है बहुत सारी पॉलिसीज़ के अंदर, प्रायोरिटीज़ के अंदर, स्टैंडर्ड्स के अंदर, जो कि स्टैटिस्टिकल मैटर्स के होते हैं। एनएससी के अंदर यहाँ पे 4 मेंबर होते हैं बिसाइड द चेयरपर्सन, और जिनके पास अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है स्पेसिफाइड स्टैटिस्टिकल फील्ड में। अब यहां पे चीज क्या आई है कि यहां पे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं एनएससी के वो अपना पद छोड़ चुके हैं। पीसी मोहनन जी और जेवी मीनाक्षी जी ने भी अपने जो पद है उससे रेजिग्नेशन दे दिया है। अब एनएससी के अंदर सिर्फ 2 ही लोग बाकी बचे हैं, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी जो कि सर्व करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, और चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया प्रवीण श्रीवास्तव जी। तो यहां पे ये जो 4 मेंबर जो बॉडी है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और भी मेंबर होते हैं, तो 2 मेंबर और होते हैं, तो उनमें से जो 4 मेंबर हैं वो अपना पद छोड़ चुके हैं, चेयरमैन भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पे एनएससी खिलाफ है उस चीज़ के कि जब हम लोगों ने पहले ही आपको लेबर फोर्स सर्वे बना के दे दिया था उसके बावजूद भी आप लोग गए एनएसएसओ के पास, और अब आप एनएसएसओ के अप्रूवल के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो, तो उस चीज़ के खिलाफ यहाँ पे एक तरीके से मुहिम चल गई है। एक और यहाँ पे जो चीज़ है, रीज़न बताया जा रहा है, वो ये है कि जो बैक सीरीज जीडीपी डेटा जो निकाला गया उसके अंदर एनएससी के जो लोग हैं उनकी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं ली गई, और कहीं ना कहीं नीति आयोग को फेवर किया गया एनएससी से पहले। तो ये यहाँ पे 2 इशू हैं जिस वजह से जो एनएससी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ, आपको खबर मिलती है स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स इज ऑन द राइज सेज कैमरॉन। तो डेविड कैमरॉन जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उनका कहना है कि आज की डेट में जो स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स होती है, या जिसको हम लोग कहते हैं जिसमें अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स होती है, वो आज की डेट में हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने बेसिक वैल्यूज़ की तरफ यहाँ पे वापस से बढ़ जाना चाहिए, अपने जो डेमोक्रेसी वाला इंस्टीट्यूट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए, लोगों की फ्रीडम को यहाँ पे देखना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को फिर से यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा कहना है डेविड कैमरून का। इंडिया के लिए उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट बात कही कि इंडिया को अपनी जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे की दुनिया की उस चीज़ में को यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या है, फ्री प्रेस है, फ्री एक्सप्रेशन है, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है। तो इंडिया के पास एक आज के डेट में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया गर्व से कह सके कि हम लोग दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और सबसे अलग हम लोग खड़े होते हैं। यहाँ पे डेविड कैमरॉन ने 4 की चैलेंजेस बताए आज की डेट में, वो हैं क्राइसिस इन ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ ग्रेट नेशंस, राइज ऑफ ग्रेट नेशंस समझ रहे हो, यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट किया जा रहा है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म, जो टेररिज्म चल
एक्स्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट वाला, उसके ऊपर यहाँ बोला गया है। बेसिकली यहाँ इस्लामिक स्टेट के बारे में यहाँ पे इनडायरेक्ट आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की डेट का सबसे बड़ा चैलेंज, दी क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। पेज नंबर 12 पे आज आपको ये मिलता है, फॉरन वाले पेज पे, द ग्रिप ऑफ ग्राफ। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पे उस आर्टिकल के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें लिंक करी हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सबसे पहले कौन निकालता है, वो निकालती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 1995 से यह निकाल रही है। यहाँ पे बेसिकली पब्लिक सेक्टर करप्शन जो होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे असेसमेंट किया जाता है, ओपिनियन सर्वे लिए जाते हैं, और जो जो देश होते हैं उनको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। और ये रैंक बताती है कि किस देश में कितना ज़्यादा करप्शन है, किस देश में कितना ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक पावर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है प्राइवेट बेनिफिट के लिए। ओके, यही तो होता है करप्शन का मतलब। क्या होता है, जो सरकारी नौकर होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी पावर है, जो उनका पद है, उसका प्राइवेट बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। की फाइंडिंग क्या रही इस बारे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 की फाइंडिंग रही, 2012 से 2018 तक सिर्फ 20 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिनका स्कोर हमें अच्छा होता हुआ नजर आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये थी, 16 कंट्रीज हैव रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज। 16 कंट्रीज में डिक्रीज देखने को मिला, मतलब 16 कंट्रीज में करप्शन के लिए जो अच्छा काम करना चाहिए था वहां पे नेगेटिव वर्क हो रहा है। यूएस और ब्राजील की बात करें, दे हैव मार्क्ड एज कंट्रीज टू वॉच आउट फॉर। यूएस और ब्राजील के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए कि वहां पे कोई खतरा तो नहीं है। साथ ही वेस्टर्न यूरोप विद एन एवरेज ऑफ 66 वॉज द टॉप स्कोरिंग रीजन। वेस्टर्न यूरोप ने एज अ रीजन सबसे ज्यादा टॉप स्कोर किया है, वाइल सब सहारन अफ्रीका स्कोर्ड द लोएस्ट। रैंकिंग सिस्टम के अंदर 180 कंट्रीज को यहाँ पे रैंक किया गया, और हायर द स्कोर द लेस करप्ट अ नेशन। जितना ज़्यादा यहाँ पे स्कोर होता है उतना कम यहाँ पे उस देश में करप्शन होता है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इंडिया के बारे में तो कोई चीज़ें नहीं बताई, पहले यहाँ पे हाइलाइट्स देखते हैं कि इस बेसिक की हाइलाइट्स क्या रही, और उसके बाद आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बाहर नहीं बनेगा, मेरा मेन फोकस ये रहता है। पहली चीज़, टॉप किसने किया है, कौन टॉपर रहा, टॉपर रहा यहाँ पे डेनमार्क विद द वर्ल्ड्स लीस्ट करप्ट कंट्री। नंबर आए इसके 88 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स, मतलब 90% का मार्क तो कोई भी पार नहीं कर पाया। ठीक है, डेनमार्क के 88 मार्क्स आए हैं 100 में से, सबसे ज़्यादा कम करप्शन होता है वहाँ पे। डेनमार्क के बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड है, फिर यहाँ पे फिनलैंड है। सोमालिया हैज बीन रैंक द लास्ट विद द स्कोर ऑफ 10। सोमालिया की जो रैंकिंग है वो सबसे आखिर वाली आई है, और मोर देन 2/3 ऑफ द इवेल्युएटेड कंट्रीज स्कोर्ड बिलो 50 पॉइंट्स। जो बहुत 2/3 जो यहाँ पे कंट्रीज थी उनके 50 पॉइंट्स से भी यहाँ पे नीचे आए हैं, इस चीज़ को याद रखना। 2018 की जो रैंक है उसने इंक्रीज शो किया है इन दी परसीव्ड करप्शन इन ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड माल्टा। पहली बार ऐसा हुआ है सिंस द यूएस ड्रॉप्ड आउट ऑफ द टॉप 20। यूएस टॉप 20 से बाहर हो गई है, 22nd रैंक आई है, इसका मतलब यूएस के अंदर करप्शन बढ़ रहा है। साथ ही मैंने आपको बताया था रिपोर्ट क्या हाईलाइट कर रही है, वो कहीं कनेक्शन देख रही है हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर, और देख रही है कि जो करप्शन से कितने ज़्यादा फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं देश उस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, नोट किया है, करप्शन इज मोर लाइकली टू फ्लरिश वेयर डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस आर वीक। अगर किसी देश में जो डेमोक्रेसी है, जो फाउंडेशन है, उसकी कमजोर हो रही है, तो वहां पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस के देखने को मिला है, जो करप्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आया। तो डेमोक्रेसी कैसी चल रही है उसके साथ करप्शन को भी लिंक किया गया। इंडिया के बारे में बात करते हैं, अपने भारत के बारे में बात करते हैं। इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 2017 वाली रैंकिंग से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 3 पॉइंट से हमारी रैंकिंग बढ़ गई है टू 78 इन द लिस्ट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहां पे चाइना की रैंक देखोगे 87 है, हमसे खराब रैंकिंग है। पाकिस्तान की 117 है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस चीज को सामने रखा कि इंडिया ने एक इंप्रूवमेंट दिखाई इस एनुअल इंडेक्स के अंदर, इंपॉर्टेंट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। बस आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके साथ डिस्कशन में ले लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन साउथ अमेरिका शेयर्स द बाउंड्री विद वेनेजुएला। ये रहा यहाँ पे वेनेजुएला, और यहाँ पे है अटलांटिक ओशन। ओके, और एक चीज़ और, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे ड्रॉप करके बताना। जो सी कंट्री टच करती हैं वो है यहाँ पे कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना। तो कोलंबिया, गुयाना और ब्राज़ील, मतलब 1, 3 और 5 होगा आंसर। सी वाले पे टिक कर दिया होगा आपने, 1, 3 एंड 5। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड। और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव भी आप लोग कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।